नमस्कार आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए हिमाचल प्रदेश जी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हर एक क्वेश्चन जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके चाहे वो आपका कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो तो सबसे पहले क्वेश्चन से जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे जहाँ पर भी एचपी जी पूछी जाएगी डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी जैसे कि पहले के एग्जाम्स में भी जो है वो मिलती रही है सबसे पहला क्वेश्चन देखिए बोलते हैं द फॉलोइंग हॉट वाटर स्प्रिंग वॉज डिस्कवर्ड बाय दी चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ कांगड़ा कैप्टन ए कॉलमैन तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से गर्म पानी का झरना जिसकी खोज कांगड़ा के उस टाइम के जो चिकित्सा एक मेडिकल अधिकारी हुआ करते थे जो जिनको चिकित्सा अधिकारी कह सकते हैं आप जिनका नाम कैप्टन ए कॉलमैन था उनके द्वारा की गई थी देखो कैप्टन ए कॉलमैन कांगड़ा वैली में जो था मेडिकल ऑफिसर हुआ करते थे चीफ मेडिकल ऑफिसर हुआ करते थे इनके द्वारा जो था वो एक वाटरफॉल की खोज की गई और इसका नाम रखा गया सलोल ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है सलोल वाटरफॉल की खोज जो था वो इनके द्वारा की गई थी अगर हम यहाँ से कुछ जानेंगे तो सलोल वाटरफॉल जो है वो कांगड़ा वैली में जो है वो स्थित है और ये डिस्कवर किया गया था किसके द्वारा जो कैप्टन ए कॉलमैन थे उनके द्वारा यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन जो है वो आपने ध्यान रखना है पहला आपने ध्यान रखना है कि सलोल वाटर स्प्रिंग जो है वो कहां पर स्थित है सलोल वाटर स्प्रिंग जो है वो कहां पर है वो पर ये कांगड़ा वैली में स्थित है दूसरा आपने ध्यान रखना है कि इसकी डिस्कवरी जो था वो किसके द्वारा की गई थी कैप्टन ए कॉलमैन के द्वारा की गई थी अब कुछ भी इनमें से पूछा जाए तो आपको अरेंज करके जो है वो याद रहना चाहिए अब यहाँ पर देखो आप यहाँ पर वाटर फॉल या फिर वाटर स्प्रिंग जो हिमाचल में है उनके बारे में बात करते हैं हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की कांगड़ा की बात करते हैं तो कांगड़ा में जो है कौन कौन से कौन कांगड़ा में ज्वालामुखी एक स्प्रिंग है लुलानी एक स्प्रिंग है सुल्लाह जो है वो स्प्रिंग है सलोल स्प्रिंग है भागसू नाग जो है ये भी वाटरफॉल है तो ये आपने ध्यान रखने हैं कांगड़ा के कांगड़ा के हमने स्पेसिफिक वे में जो है वो यहाँ से याद रखने हैं उसी तरह हमने पिछले कल कुल्लू के जो था वो जाने थे कुल्लू का हमने कौन सा जाना था कुल्लू का हमने वशिष्ठ जाना था कि ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ब्यास नदी के किनारे स्थित है और मनाली में जो है वो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है उसी तरह कुल्लू में जो है वो मणिकर्ण स्थित है कुल्लू में कसोल जो है वो स्थित है कसोल वाटर स्प्रिंग वाटरफॉल है और खीर गंगा यहाँ पर है राहला वाटरफॉल जो है यहाँ पर है मनाली के समीप जो है ये राहला वाटरफॉल यहाँ पर है तो ये हमने पिछले कल जो था वो रिवाइज़ की थे आज हमने कुल्लू के भी रिवाइज कर लिए कांगड़ा के भी जो था वो रिवाइज कर लिए और किसने इसकी डिस्कवरी की थी ये भी अब आपने ध्यान रखना है डिस्कवरी बहुत ज़रूरी है डिस्कवरी ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये पूछी जाए अभी तो आपको इजी लग रहा है जब स्टेटमेंट वेस्ट में क्वेश्चन दिया जाएगा ना और ऑप्शंस नहीं होंगी सिर्फ ओनली वन ओनली टू होगा तब कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन जो है ये क्रिएट कर सकता है अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ़ जिंजर डेवलपमेंट स्टेशन इन हिमाचल प्रदेश तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो अदरक विकास स्टेशन है उनकी कुल संख्या जो है वो कितनी है देखिए अदरक हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो अदरक की होती है अब हिमाचल में बोलते हैं कि कितने ऐसे जिंजर जो अदरक के विकास स्टेशन है वो हैं तो हिमाचल प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन ए सही आंसर है एक जो है वो जिंजर डेवलपमेंट स्टेशन है जी इसको कह देंगे जिंजर डेवलपमेंट स्टेशन इसी तरह अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में तो हिमाचल प्रदेश में तीन जो है वो वेजिटेबल डेवलपमेंट स्टेशन है कितने तीन वेजिटेबल डेवलपमेंट स्टेशन है हिमाचल प्रदेश में जो है वो एक जिंजर डेवलपमेंट स्टेशन है हिमाचल प्रदेश में जो है वो सी भी है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट भी स्थित है ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है वो स्थित है डिस्ट्रिक्ट शिमला के कुफरी में जो है ये स्थित है कहीं जगह जब आप शिमला जाते हैं तो आपने देखा होगा कि शिमला में जो है वो कहाँ पर शिमला में जो जो बेमलोई है बेमलोई में लिखा है वहाँ पर सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट तो हो सकता है ऑफिस वहाँ पर भी हो वहाँ पर भी दो जगह ऑफिस हो सकते हैं परंतु एग्जैक्टली exactly जो हम किताबों पर पढ़ते हैं वो हम कुफरी ही जो है वो पढ़ते हैं तो मुख्य रूप से हमने कुफरी ही याद रख रखा है जिंजर के बारे में ये तो आपको ऑलरेडी पता चल ही गया है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जिंजर की सिरमौर में जो है वो की जाती है वेजिटेबल डेवलपमेंट स्टेशन हो गया जिंजर का हो गया सीपीआरआई हो गया और पिछले कल हमने दो जो था वेराइटीज़ पड़ी थी मटर की मटर की जो था वो हमने वेरायटीज पढ़ी थी उसमें दो वेराइटीज़ हमने पढ़ी थी एक का नाम था पाम प्रिया और दूसरा का नाम था पाम समृद्धि तो ये पाम प्रिया और पाम समृद्धि समृद्धि जो है वो मटर की वेरायटीज़ हैं और ये पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो नौनी में स्थित और ये जो पालमपुर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा जो है वो डेवलप की गई हैं अब पिछले गल ना मैंने एक गलती कर दी बात हम कर रहे थे पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की परंतु मेरा ध्यान क्या था मेरा ध्यान जो था वो नौणी में जो यूनिवर्सिटी है उसकी ओर चला गया था वो इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में फर्क है पालमपुर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है 1978 में इसकी स्थापना की गई थी चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय जो है इसका नाम है नौणी की यूनिवर्सिटी के बारे में कल मैं बताता रहा आपको उस क्वेश्चन से रिलेट करके परंतु अभी करेक्ट कर लें मुझे भी एग्जैक्टली अभी पता चला कि ये मैंने कल बोला है अब देखो नौणी में जो यूनिवर्सिटी है ना वो हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री की यूनिवर्सिटी है डॉक्टर यशवंत यस, सिंह परमार हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी है तो वो थोड़ा सा ना मैंने कल आगे पीछे बोल दिया था कई बार हो जाता है तो आपने ध्यान रखना है अब ये जो नौनी इन्वेस्ट बताया बाकी सब कुछ हमने ठीक डिस्कस किया था कि कब उसकी स्थापना हुई है वो सब ठीक था बस यही मैंने गलत बोला ही था मैंने गलत बाकी डिटेल में इन्फॉर्मेशन सारी की सारी सही थी बोलना था डिटेल में जो था वो जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर की है इसके बारे में बोल दिया यशवंत सिंह वाली के बारे में अब दोनों के बारे में सुन लीजिए जो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यान एवं वाणिकी विश्वविद्यालय है नौनी में इसकी स्थापना नाइनटीन में की गई थी और ये जो हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में है जिसको आप सर, जिसको आप जो है वो श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं ये पालमपुर में है और 1978 में इसकी स्थापना हुई थी अभी मत इसको जो है वो कन्फ्यूजन में थोड़ा सा रहना बस इतना काफ़ी है अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं बोलते हैं वेयर इज द मोबाइल सॉयल टेस्टिंग लैब सेटअप इन हिमाचल प्रदेश इन टू थाउजेंड तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में मोबाइल मृदा प्रशिक्षण जो प्रयोगशाला स्थापित की गई थी 2010-11 में वो कहाँ पर जो था वो स्थापित की गई थी अब देखो मोबाइल टेस्टिंग सोयल लैब जो था वो यहाँ पर जो था वो स्थापित की गई थी और ये कहाँ पर की गई थी ये की गई थी पालमपुर में ऑप्शन ए सही आंसर है दो चीज़ें यहाँ से ध्यान रखनी है एक तो आपने ध्यान रखना है कि 2010-11 में जो था वो इस मोबाइल सोइल टेस्टिंग लैब को स्थापित किया गया था दूसरा ध्यान रखना है कि पालमपुर में जो था वो स्थापित किया गया था अब एडिशनल जानकारी जानिए सोयल टेस्टिंग प्रोग्राम जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार का जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है उसके द्वारा ग्यारह सोयल टेस्टिंग लैबोरेटरीज जो हैं वो स्थापित की गई हैं पूरे हिमाचल में और इनका इम, इनका जो है वो उनको स्थापित करने का मोटिव क्या है टारगेट क्या है क्यों इनको स्थापित किया गया है इनको स्थापित करने का जो मोटिव टारगेट है वो ये है कि सोयल की हेल्थ जो होती है उसकी जांच की जा सके और फार्मर्स की इनकम ऑटोमेटिकली यहाँ से बढ़ जाएगी जब सॉइल की सॉइल की जो हेल्थ होगी वो ठीक होगी सॉइल टेस्टिंग सर्विसज जो हैं वो इसको हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 में भी जो है वो शामिल किया जा चुका है वो भी आपने ध्यान रखना है इसमें जो है वो सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो लोगों को प्रोवाइड करवाए जाते हैं लोगों को क्या किसानों को जो है प्रोवाइड करवाए जाते हैं इंटरनेट सर्विसज़ के माध्यम से तो इस तरह की चीज़ें जो है हैं सोइल टेस्टिंग प्रोग्राम में होती हैं नाम से पता चल रहा है और मोबाइल जब यहाँ पर लिखा गया है मोबाइल का मतलब है कि चलती फिरती होगी जगह जगह जाकर जो है वो टेस्टिंग करती रहेगी और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा जो है ये ग्यारह स्थापित की गई हैं पूरे हिमाचल में ये आपने यहाँ से डिटेल में जान लिया इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने जान लिए अब पिछले कल हमने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट पेस्टिसाइड यूनिट हिमाचल प्रदेश में कब स्थापित किया गया है और कहाँ पर स्थापित किया गया है तो हिमाचल प्रदेश में जो पहला कीटनाशक इकाई है वो स्थापित की गई है 2006 में 2006 में वो स्थापित की गई और कहाँ पर स्थापित की गई वो स्थापित की गई कहाँ पर मंडी में मंडी में जो था वो स्थापित की गई ये आपने ध्यान रखना है मंडी में स्थापित की गई दो में स्थापित की गई ये जो मोबाइल सोइल टेस्टिंग लैब है 2010-11 में स्थापित की गई पालमपुर में जो था वो स्थापित की गई पालमपुर में जो कृषि विश्वविद्यालय है चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय 1978 में उसकी स्थापना जो था वो की गई थी पालमपुर चाय के लिए भी जो है वो काफी जाना जाता है पालमपुर टी कहते हैं कांगड़ा टी कहते हैं तो पालमपुर वैली में ही जो है वो मुख्य रूप से देखने को मिलती है तो ये सारा यहाँ से ध्यान रखें अगला क्वेश्चन देखें बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज नॉट बिल्ट इन पैगौड़ा स्टाइल तो बोलते हैं कि निम्नलिखित लिखित में से कौन सा मंदिर जो है पैगौड़ा शैली में नहीं बना है जब नहीं आपसे पूछा गया है तो हड़िम्बा मंदिर तो पैगौड़ा शैली में बना हुआ है ये जो ज्वालामुखी मंदिर है ना ये पैगौड़ा स्टाइल में नहीं बना है ऑप्शन ए सही आंसर है सुंगरा महेश्वर मंदिर भी जो है वो पैगौड़ा स्टाइल में ही बना हुआ है ये आपने ध्यान रखना है सुंगरा महेश्वर मंदिर पैगौड़ा स्टाइल में ही बना हुआ है और आपने ध्यान रखना है कि त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जो कि नगर कुल्लू में स्थित है ये भी पैगौड़ा स्टाइल में ही जो है वो बना हुआ है पैगौड़ा आर्किटेक्ट स्टाइल जो है ये इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट स्टाइल है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट मंदिर ऐसे हैं जो इस आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बने हुए हैं फॉर एग्जाम्पल हडिम्बा देवी का मंदिर हो गया कुल्लू के नगर का त्रिपुरा सुंदरी मंदिर हो गया मैंने इसका शॉर्ट्स भी जो था वो आपको दिखाया था इस मंदिर का पूरा आर्किटेक्ट स्टाइल आपको दिखाया था और त्रियंग नारायण मंदिर हो गया ये दयाल कुल्लू में ही स्थित है ये भी जो है वो पैगौड़ा स्टाइल में बना हुआ है पराशर मंदिर हो गया ये भी जो है वो पैगौड़ा स्टाइल में बना हुआ है सुंगरा महेश्वर मंदिर हो गया ये जो सुंगरा महेश्वर मंदिर है ये किन्नौर में जो है वो स्थित है और ये भी पैगोडा स्टाइल में बना हुआ है अब देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है पूछने वाला पूछने वाला पूछ लेगा कि सुंगरा महेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है सुंगरा महेश्वर मंदिर जो है ये कहाँ पर है किन्नौर में स्थित है ये ध्यान रखना है और कौन से स्टाइल में बना है वो तो पता ही है पैगोडा स्टाइल में बना है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कहाँ पर है नग्गर में स्थित है नगर में जो है वो आर्ट गैलरी भी स्थित है जिसको रूरिक आर्ट गैलरी के नाम से जानते हैं और ये भी कुल्लू में जो है वो स्थित है और ज्वालामुखी मंदिर जो है ये कांगड़ा में स्थित है ये जो है वो डोम आर्किटेक्सटाइल में जो है वो बना हुआ है डोम आर्किटेक्सटाइल में बना हुआ है और ज्वालामुखी मंदिर की अगर हम बात करते हैं कुछ इसके बारे में जानना चाहें तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1365 में जब नगर नगर के ऊपर आक्रमण किया गया था तो उसने ज्वालामुखी मंदिर को जो था वो लूटा था यहाँ से संस्कृत की किताबें उठाकर ले गया था और फारसी में जो था वो उनका अनुवाद करवाया था ध्यान रखना थर्टीन 1365 की ये बात है फिरोज शाह तुगलक नाम था ये सारा आप यहाँ से ध्यान रखें किताबों का विवरण जो है वो बहुत बार किताबों के बारे में पूछा गया है कि किस मंदिर की किताबें थी कौन से ईयर में था कौन सा शासक था तो ये सारे आप ध्यान रखें फिरोज साह तुगलक थर्टीन सिक्सटी फाइव ज्वालामुखी का मंदिर किताबों को फारसी में ट्रांसलेट करवाया अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोलते हैं द फुल फुल्लेज डेवलपमेंट ऑफ द कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग इज सेट टू हैव टेकन प्लेस अंडर द पेटनेज ऑफ तो बोलते हैं कि कहा जाता है कि कांगड़ा चित्रकला जो विद्यालय है इसका पूर्णतः जो विकास हुआ था वो किसके संरक्षण में था वो हुआ था इसका विकास जो था वो पूर्णता किसके संरक्षण में हुआ था तो इसका विकास जो था वो हुआ था किसके संरक्षण में कांगड़ा के राजा थे उनका नाम था संसार चंद महाराजा संसार चंद ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है महाराजा संसार चंद के कार्यकाल के दौरान ये पूर्णतः रूप से फली फूली ये तो आपको पता होना चाहिए कांगड़ा पेंटिंग जो है वो चर्चा में भी रहती है अब चर्चा में रहती है लास्ट टाइम चर्चा में ये तब आई थी जब जी ट्वेंटी की समिट हुई थी उससे पहले जी ट्वेंटी की समिट जब इंडिया इंडिया के इंडिया में नहीं इंडोनेशिया में जब इससे पहले हुई थी तब ये चर्चा में आई थी क्यों चर्चा में आई थी क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था उस टाइम जो था वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यूएस के प्रेसिडेंट को जो था ये भेंट की गई थी कांगड़ा पेंटिंग और ये जो है लॉर्ड कृष्णा और राधा थीम पर जो है वो बेस्ड है कांगड़ा की पेंटिंग इसके रूट्स माने जाते हैं कि ये इसके बेसिकली जो था वो गुलेर शैली से जो था वो उत्पन्न हुई ठीक है ये भी पता चल गया और इसमें जो है वो मुगल शैली का जो है वो प्रभाव देखने को आपको मिल जाएगा और कांगड़ा के राजा जो संसार चंद थे ये नोखू गद्दन थी जिनके साथ जो था ये जिनके साथ इनको प्यार हुआ था तो नोखू गद्दन का नाम भी ध्यान रखना है बाकी पेंटिंग्स स्कूल की बात करें तो बसौली स्कूल पेंटिंग सबसे ओल्डेस्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट माना जाता है ये राजा कृपाल के कार्यकाल के दौरान जो था यहाँ पर बसौली पेंटिंग जो था वो फली फूली थी या फिर शरण मिली थी उसी तरह कांगड़ा आपने जान लिया कांगड़ा के अलावा चंबा अगर आप जानेंगे तो चंबा के राजा थे उदय सिंह उदय सिंह के कार्यकाल के दौरान जो था वो चंबा के पेंटिंग को शरण मिली उनके कार्यकाल के दौरान ये फली फूली ये आप ध्यान रखें बाकी तो इतना काफी है जानने के लिए कि क्या था क्या किस तरह से कौन सी पेंटिंग कहाँ पर हुई इतना काफ़ी है जानने के लिए ये जान लिया आपने इम्पॉर्टेंट है सारा का सारा देखो सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं अभी आपको आसान लगेंगी डेफिनेटली चीज़ें परंतु जब क्वेश्चन आता है ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऑप्शन अलग, अलग अलग आ जाएंगे क्वेश्चन घुमा फिरा दिया जाएगा तब थोड़ा सा ना डिफिकल्टी वाला काम हो जाता है और तब क्वेश्चन गलत होते हैं और फिर बाद में आकर पता चलता है कि यार पढ़ा तो था परंतु गलत हो गया वो इसीलिए होता है क्योंकि प्रॉपर रिवीजन नहीं होता चीज़ों को बार बार नहीं दोहराया होता अगला क्वेश्चन देखिए बोलते हैं द स्टेट ऑफ चंबा विच रिमेंड अंडर द काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर विद इट्स फर्स्ट प्रेजिडेंट मेजर टोलिनियम टिल द माइनर रूलर केम ऑफ एज नेम द रूलर तो बोलते हैं कि चंबा राज्य का राज्य जो छोटे शासक के व्यस्क होने की यानी कि चंबा का जो शासक था वो अभी व्यस्क था उसकी आयु कम थी तो अपने प्रथम मेजर जो थे जिनका नाम था टोल नियम इनके, इनके प्रशासन में जो था पलम इनके प्रशासन में जो था इसकी वृद्धि हुई थी जंबा की या फिर अधीन रहा था इनके तो शासक का नाम बताइए जो उस टाइम जो था वो क्या होता था माइनर होता था माइनर रूलर जो था वो वहाँ का होता था तो ये होता था राजा लक्ष्मण सिंह ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है ये चंबा के राजा लक्ष्मण सिंह थे ये माइनर थे और मेजर टोरिनम जो था ये शासन जो को देख रहे थे इनके अधीन जो था वो शासन था अब देखो होता है इस तरह से है 1924 में जो था वो क्या था 1924 में जो था और लक्ष्मण सिंह का जन्म जो था वो हुआ था और लक्ष्मण सिंह का जन्म 1924 में हुआ था और जब इनकी राम इनसे इन, इन पहले जो राजा हुआ करते थे जिनका नाम राम सिंह था उनकी मृत्यु हुई थी तो उनकी मृत्यु जो था हो जाती है और लक्ष्मण सिंह की आयु उस टाइम होती है ग्यारह वर्ष अब ये व्यस्क थे माइनर थे इनको राजा नहीं बनाया जा सकता था तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया अपना एक प्रशासक जो था वो नियुक्त किया कर दिया जिसका नाम इन्होंने मेजर तालनिम रख दिया और मेजर टॉलनियम ने जो था वो क्या किया मेजर टॉलनियम ने यहाँ पर नाइनटीन तक जो था वो शासन किया था और नाइनटीन में क्या होता है फिर लक्ष्मण सिंह को जो था वो पूर्णतया रूप से जो है वो शासन मिल जाता है पूर्णतया रूप से जो है ये रूल करने लग जाते हैं और फिर तो आपको पता ही है उसके बाद 1948 में जो है वो आगे चलकर हिमाचल प्रदेश का एक ज़िला जो है ये बन जाता है और चार ही ज़िले थे जिनमें से हम बार बार पढ़ते हैं चंबा था एक कांगड़ा चंबा था एक एक मंडी था मंडी के अलावा जो था वो सिर्फ मौर था सिर्फ मौर के अलावा महासू था ये चार जिले जो था वो हुआ करते थे और चंबा इनमें से एक था उन्नीस में लक्ष्मण सिंह जो था वो पूरी पूरी तरह से राजा बनते हैं और फिर ये अंतिम शासक पूछे जाते हैं एग्जाम में कि अंतिम शासक कौन थे चंबा के तो लक्ष्मण सिंह ही थे चंबा के राजा भूरी सिंह भी जो है वो रहते हैं 1908 में भूरी सिंह म्यूजियम जो है वो उनके कार्यकाल में स्थापित किया जाता है चंबा के राजा जो है जिनकी जिन्होंने चंबा की स्थापना की चंबा शहर की बात कर रहा हूँ तो वो राजा साहिल वर्मन थे जिन्होंने चंबा शहर की स्थापना की थी चंबा रियासत की स्थापना जो था वो राजा मैरू वर्मन के द्वारा की गई थी और इस तरह से आपने सारी चीज़ें यहाँ से इम्पोर्टेंट वन जान ली अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं बोलते हैं अगले क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस यूज टू बी दी हॉट वेदर सीट ऑफ द कमिश्नर ऑफ जलंधर डिवीजन ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो था वो ब्रिटिश राज के दौरान जलंधर डिवीजन के आयुक्त की गर्म मौसम सीट के रूप में था यानी कि यहाँ से जो था वो क्या होता था ब्रिटिश जो जब पीरियड होता था जब ब्रिटिश काल जो था वो होता था तो जलंधर डिवीज़न का कमिश्नर जो था वो यहाँ पर आकर बैठता था कहाँ पर धर्मशाला में ऑप्शन डी सही अंत्र है धर्मशाला से जो था ये राज्यकाल चलाया जाता था या फिर इस तरह से कहिए कि जलंधर डिवीज़न के आयुक्त की जो था ये सीट हुआ करती थी अब देखो कांगड़ा की अगर हम बात करते हैं ना तो कांगड़ा रियासत अंग्रेजों के अधीन कब आई थी ये 1846 में जो था वो अंग्रेजों के अधीन जो था वो आ गई थी ये आपने ध्यान रखना है कि ये कब अंग्रेजों के अधीन जो है वो आती है देखो धर्मशाला ना हमेशा से ही जो था वो अट्रैक्शन रही ब्रिटिशर्स की यहाँ पर जो था वो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो था अलग से जो है ये धर्मशाला की स्थापना की जाती है धर्मशाला शहर जो है वो अलग से बनाया जाता है और ये जो था वो ब्रिटिशर्स के द्वारा कौन से ईयर में बनाया जाता है धर्मशाला से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ये 1846 में जो है वो बनाया जाता है ये भी आप ध्यान रखें बाकी जब जब या अब तो प्रेजेंट टाइम में धर्मशाला का स्टेटस इस तरह से है कि कांगड़ा जो है कांगड़ा का हेडक्वाटर ही धर्मशाला में है कांगड़ा के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑफिस हैं वो धर्मशाला में जो है वो है हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है वो भी जो है वो धर्मशाला में ही उसका हेडक्वाटर जो है वो स्थित है एक और बात यहाँ से जो नोट करने की ये है वो इस तरह से है कि तीप्तीन सरकार जो है धर्मशाला से ही जो है वो चलाई जाती है तो धर्मशाला में जो था मैकलोड मैकलोडगंज करके जो जगह है ना वो मुख्य रूप से जो है वो तीप्तीन लोगों द्वारा जो है वो वहां पर रहे वो ये लोग रहते हैं और वहीं से जो है वो सरकार को चलाते भी हैं तो धर्मशाला को जो है वो मिन्नी लहासा के नाम से भी जो है वो जाना जाता है मिन्नी लहासा जरूर ध्यान रखें कि धर्मशाला को जो है वो कहते हैं और इतना काफ़ी है यहाँ से जानने के लिए अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ मैरिज इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो कौन सी विवाह का स्वरूप नहीं है विवाह का प्रकार नहीं है तो तिवानस्तन जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा तिहांस्तन जो है वो मैरिज का स्वरूप नहीं है अब देखो तिभांगस्तन ठीक है मैरिज का स्वरूप नहीं है परंतु ये किसका स्वरूप है क्या बात है पूरी किस तरह से है देखो तिवानगस्तन जो है वो लाहौल लाहौल में जो है वो मैरिज का टाइप है तिवानस्तन और मोतीबिन ये अरेंज मैरिज का टाइप है लाहौल ये आपने ध्यान रखना है यहीं से अगर हम रिवाइज करते हैं और भी चीज़ें तो यहाँ पर क्वाची ब्याह हो गया ये अरेंज मैरिज का टाइप है कुंची ब्याह हो गया ये अलॉटमेंट है भगा कर की जाने वाली शादी है खम्पास के बीच में फखतून हो गया ये मैरिज का टाइप है जाच होचे हो गया ये डाइवोर्स का जो है वो टाइप है स्पित्ति की अगर हम बात करते हैं तो स्पित्ती में जो है वो कान्दू मैरिज का टाइप है और यहाँ पर तसुद तवाक्ची जो है या फिर कुपचाचा जो है ये डाइवोर्स का टाइप है अब बात करते हैं किन्नौर डिस्ट्रिकी किन्नौरस की तो यहाँ पर जाने खन जाने तंग ये अरेंज मैरिज के टाइप आते हैं दम चालीसम बेनांग हचीज़ ये लव मैरिज के टाइप आते हैं दरोज दुब दुब न्यामसा ये जो है सारे फोर्सफुल मैरिज हैं दीपांग हो गया आची आशीष हचीज़ हो गया ये सारे जो हैं वो फोर्सफुल मैरिज़ के टाइप हैं तो ये आपने ध्यान रखना है अब हमने लाहौल के बारे में जान लिया हमने स्पिति के बारे में जान लिया हमने किन्नौर के बारे में जान लिया हमने खम्पाज के बारे में जान लिया पिछले कल हमने क्या रिवाइज किया था पिछले कल जो था वो हमने पंगवाल्स का पंगवाल का रिवाइज किया था डोगरी डोगरी जो है वो पंगवालस के बीच में मेरिज़ का टाइप है वो भी आपने ध्यान रखना है पिछले कल का मैं बार बार इसलिए रिवाइज़ करवाता हूँ क्योंकि दो दिन अगर आपने एक ही चीज़ रिवाइज कर ली ना तो नई चीज़ भी सीख ली और पिछले कल की चीज़ भी अगर रिवाइज कर ली तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है चीज़ें भूलती नहीं है रिलेट भी हो जाती हैं साथ साथ में अब पक्की बात है कि ये क्वेश्चन आपको नहीं भूल सकता डोगरी और डोगरी और तिभांगस्टन कि ये क्या क्या है और कहाँ कहाँ पर है ये नहीं भूल सकते आपको अगले क्वेश्चन में बोलते हैं बोलते हैं द तो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन ऑफ कालका शिमला रेलवे लाइन वॉज फ्लैग इन तो बोलते हैं कि कालका शिमला रेलवे लाइन पर पहली जो यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई थी वो कब दिखाई गई थी देखो एग्जैक्टली exactly ऑप्शन मैंने यहाँ पर तो कुछ और ऑप्शन हैं वहाँ पर कुछ भी ऑप्शन जो हैं पेपर में हो सकते हैं तो अभी हम बात करते हैं ऑप्शन के हिसाब से तो नाइन नवम्बर नाइनटीन जीरो थ्री को नौ नवम्बर उन्नीस सौ तीन को जो था वो क्या हुआ था ये जो कालका शिमला रेलवे लाइन पर पहली ट्रेन थी इसको फ्लैग ऑफ किया गया था हरी झंडी जो था वो दिखाई गई थी ये कितने किलोमीटर लंबी है ये 96.54 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है 96.54 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है लॉर्ड कर्जन जो था वो इस टाइम हुआ करते थे इनके द्वारा जो था वो इनोग्रेट इसको किया गया था लॉर्ड कर्जन का ध्यान रखें कालका शिमला रेलवे लाइन में जब रेल तो चल पड़ी परंतु पहली रेल शिमला जो था वो कब पहुँचती है तो रेलवे लाइन जो है वो शिमला पहुँचती है आकर फर्स्ट टाइम नाइनटीन में यहां पर जो है दो हजार आठ यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट, लिस्ट में शामिल किया गया था बाबा भालकू राम थे चैल के इन्होंने जो था बड़ा अहम रोल जो था वो निभाया था कहते हैं कि इन्होंने छड़ी लेकर जो था वो खुद रास्ता दिखाया था कि यहाँ यहाँ से जो है वो रेल निकल सकती है और ब्रिटिशर्स भी बड़े हैरान हो गए थे कि एक इंसान ऐसा जो पढ़ा लिखा नहीं है जिसको कुछ नॉलेज नहीं है उसने इतना रास्ता दिखा दिया कि पहाड़ों के बीच से जो था वो ट्रेन निकला दी और इन्हीं की बदौलत जो है ये ट्रेन निकली हुई है ये आपने ध्यान रखना है बाकी हिमाचल की अदर रेलवे लाइन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले अभी रहने देते हैं अभी इतना काफ़ी है अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है परंतु यहाँ से जो डिटेल में हम जानकारी डिस्कस करेंगे ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी तो बोलते हैं कि फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर हिमाचल प्रदेश के कौन थे हिमाचल प्रदेश के जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह मेजर जनरल हिम्मत सिंह ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे हिमाचल प्रदेश के और पहले थे अब यहाँ पर ऑप्शन और भी दिए गए हैं जैसे कि यहाँ पर जो है आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऑप्शन में लिखा गया है एन सी मेहता एन सी मेहता जो था वो फर्स्ट चीफ कमिश्नर थे हिमाचल प्रदेश के यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि फर्स्ट डेप्यूटी चीफ कमिश्नर कौन थे डेप्यूटी चीफ कमिश्नर जो था वो ई पेंडुलम मून थे और हिमाचल प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जान लिए परंतु पहले गवर्नर कौन थे पहले गवर्नर जो था वो श्री एस चक्रवर्ती थे एस चक्रवर्ती आपने ध्यान रखना है और पहली महिला गवर्नर कौन थी पहली महिला गवर्नर जो हिमाचल प्रदेश की थी वो थी श्रीमती शीला कॉल उनका नाम भी ध्यान रखना है आपने और भगवान सहाय भी ऑप्शन में दिया गया है देखो भगवान सहाय भी जो था वो हिमाचल प्रदेश की जो था वो चीफ कमिश्नर रह चुके हैं चीफ कमिश्नर रहे हैं सबसे पहले तो कौन आए एनसी मेहता आए फिर चीफ कमिश्नर ही बन जाते हैं ई पेंडुलम मून और उसके बाद जो है हम भगवान साहे बनते हैं 1951-52 में जो है 1951 में ये बनते हैं 1952 तक जो है भगवान साय चीफ़ कमिश्नर जो है वो रहते हैं हिमाचल प्रदेश की तो भगवान साय का नाम भी आपने लगभग लगभग लग 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 क्लियर कर ही लिया प्रेजेंट टाइम में चीफ सेक्रेटरी कौन है हिमाचल प्रदेश के ये आप कमेंट करके बताएंगे गिरिराज पत्रिका में हमने बहुत बार रिवाइज़ किया है क्वेश्चन देखें बोलते हैं इन विच अ अटनल वॉज कंस्ट्रक्टेड अंडर द रिज फ्रॉम ब्लैसिंगटन टेनिस कोर्ट टू लोअर बाजार तो बोलते हैं कि रिज के नीचे ब्लैसिंगटन टेनिस कोर्ट से लोअर बाजार तक एक सुरंग का निर्माण किया गया था ये किस वर्ष जो था वो किया गया था ये आपने कमेंट करके बताना है पिछले कल के जो एडिशन था उसमें हमने डिटेल से यहाँ से जाना था परंतु अभी आप कमेंट करके बताएंगे इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चन है और कमेंट करके बताएं अच्छे से रिवीजन भी आपका हो जाएगा जल्दी से कमेंट कर दीजिए चार ऑप्शन आपके पास दी गई हैं तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफी है दैट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली